आज के फनकार। एक फिल्म के गानों ने एक प्रतिष्ठित संगीत कंपनी को घाटे से बंद होने के खतरे से बचाया। एसपी बालसुब्रमण्यम को इस फिल्म के गीतों से एक नए पार्श्व गायक की पहचान मिली। स्वयं संगीतकार को वर्षों बाद ऐसी अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली और खास ये कि लता मंगेशकर का पार्श्व गायन छोड़ने का इरादा भी इन गीतों की सफलता से टल गया और ये फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म और इसके संगीत की सफलता अभूतपूर्व थी। इस फिल्म के 5 गानों को लता जी ने एक ही दिन में रिकॉर्ड किया था और इस फिल्म के गीत दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, जो महीनों तक देश में बजता रहा, गूंजता रहा। दरअसल ये गाना मूलतः संगीतकार ने जो इसकी धुन बनाई थी वो 1977 की फिल्म एजेंट विनोद के लिए बनाई थी, लेकिन इस्तेमाल हुई वो मैंने प्यार किया में। बाहरी निर्देशित एजेंट विनोद के नायक थे महेंद्र संधू और संगीतकार थे सुरेंद्र विजय यानी राम लक्ष्मण। राम सुरेंद्र और लक्ष्मण थे विजय पाटिल। एजेंट विनोद फिल्म के निर्माण के दौरान ही सुरेंद्र का देहांत हो गया, लेकिन लक्ष्मण विजय पाटिल ने अपनी जोड़ी में राम लक्ष्मण का साथ हमेशा बनाए रखा। Gentlemen, how are you? Here is your lovely Ina. आ गया मैं।
आज राम लक्ष्मण की जोड़ी का जिक्र है, यानी विजय पाटिल का जिक्र है। आज के फनकार में एक कंपोजर, एकॉर्डियनिस्ट के रूप में जिनकी संगीत जगत में एक विशिष्ट पहचान है। चलिए गुजरे पलों को यादों के माध्यम से वर्तमान में लाने का प्रयास करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को जब नागपुर से मुंबई आए विजय पाटिल ने यहाँ यानी मुंबई में एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बनाया, जिसमें आप अपनी धुनों को प्रस्तुत किया करते थे और अपने बेटे के साथ इस संगीतकार ने अमर विजय नाम से ऑर्केस्ट्रा बनाया था। प्रसिद्ध हास्य कलाकार फिल्मकार दादा कोंडके ने इनकी कला से प्रभावित होकर अपनी मराठी फिल्म पांडु हवलदार के लिए संगीत देने का प्रस्ताव रखा। तब अपने मित्र राम के साथ मिलकर इन्होंने संगीत दिया जो हिट रहा। फिर दादा कोंडके के साथ इनका संगीत का रिश्ता बनता चला गया। तराना, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मुस्कुराहट, पुलिस पब्लिक, 100 डेज, पत्थर के फूल जैसी फिल्मों के गीत संगीत से घर घर तक पहुंचा राम लक्ष्मण का संगीत। इनका संगीत लोकप्रिय संगीत है। इन्होंने एक पत्रिका को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे सड़क चलता आदमी भी गुनगुनाए। कहना ना होगा कि राम लक्ष्मण ने ऐसा ही संगीत दिया जो लोगों के होठों पे सज गया, जैसे 1979 की फिल्म तराना के गीतों ने तो धूम ही मचा दी थी। गुंचे लगे हैं कहने फूलों से भी, सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है दिल तुझसे ये क्या अफसाना। गुंचे लगे हैं कहने फूलों से भी, सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। दादा कोंडके और राम लक्ष्मण का संगीत जहां राजश्री प्रोडक्शंस की पहचान बना, वहीं फिल्मकार प्राणलाल मेहता, दीपक बाहरी ने भी अपनी फिल्मों में राम लक्ष्मण के संगीत को लिया। मतलब यही कि संगीतकार को कभी भी मौकों की कमी नहीं रही। 1979 की फिल्म सांच को आंच नहीं से इस संगीतकार ने लोकप्रियता पाई। कैसी की फिल्म हमसे बढ़कर कौन का ये गाना अति लोकप्रिय रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नम पुरु में देव, शुभ कार्यसु सर्वदा।
तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन हमसे बढ़कर कौन सन 1982 की फिल्म उस्तादी उस्ताद से। इस फिल्म के साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे ये गीत संगीत प्रेमियों के मन को बहुत भाया। सन 1981 की फिल्म जियो तो ऐसे जियो, 1982 की तुम्हारे बिना, 82 की ही सुन सजना, 1983 की वो जो हसीना, इसी साल दर्दे दिल और फिर आने वाले सालों में फिल्म गुमनाम है कोई, तेरे मेरे बीच में, मुझे वचन दो, ये कैसा फर्ज, पत्थर, अनाड़ी खिलाड़ी जैसी फिल्मों और फिर जवानी की लहरें, वासना की आग, खोल दे मेरी जुबान, पाप की सजा जैसी कम लागत और सी ग्रेड की फिल्मों में संगीत देने का बुरा वक्त भी आया राम लक्ष्मण को। और ऐसी कई फिल्मों में वो राम लक्ष्मण सुनाई हमें नहीं देते हैं जिन्हें हम जानते हैं। खेल नहीं अरे ओ नादा
अजय पाटिल एक अच्छे संगीतकार के साथ साथ आध्यात्मिक व्यक्ति भी रहे। यही वजह है कि वर्षों के उनके काम की असफलता के बाद भी आपने अपने अंदर की संगीत की शक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। फिर वर्ष आया 1989, जब राशि ने भी विजय पाटिल का साथ देते हुए अपनी फिल्म के लिए राम लक्ष्मण को उचित समझा और परिणाम भी बेहद उत्साहवर्धक और सफल रहा। संगीतकार राम लक्ष्मण को मैंने प्यार किया के गीत संगीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दिया गया था। राम लक्ष्मण अपनी गायकी, ड्रम्स, पियानो और अकॉर्डियन वादन के लिए जाने जाते रहे हैं। विजय पाटिल और सुरेंद्र की जोड़ी को राम लक्ष्मण का नाम फिल्मकार दादा कोंडके ने दिया था। गायक शैलेंद्र और उषा मंगेशकर की आवाज में इनके कई गाने हैं। सातवां आसमां फिल्म भी राम लक्ष्मण की 1992 की एक उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है। तुम क्या मिले जाने जान, प्यार जिंदगी से हो गया। में फिल्म पत्थर के फूल की धुनों ने भी लोकप्रियता पाई। मैंने नाता जोड़ा है, कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू पापी लगती है, कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू पापी लगती है। इक्यानबे की ही 100 डेज भी इनकी संगीतमय भेंट का अनुपम उदाहरण है। फूलों में फजाओं में हवाओं में रहेगा ये फसाना, तेरी मेरी यारी यारो याद करेगा ये गाना। ओ फूलों में फजाओं में हवाओं में रहेगा ये फसाना, तेरी मेरी यारी यारो याद करेगा ये गाना। प्यारी की सुन, प्यारी
सन 1990 की बात करें तो पुलिस पब्लिक के गीत की उम्र आज भी जमा है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मनमोहन देसाई की फिल्म अनमोल का संगीत भी अनमोल रहा। बताओ तुम कौन हो, ख्यालों पे जो छा गए अभी तो मैंने चौरानवे अन्य फिल्मों के बाद आई हम आपके हैं कौन, संस्कृति का, रस्म रिवाज, संबंधों का भव्य रूप था इस फिल्म में, और इस फिल्म में संगीत भी भव्य था। 94 की फिल्म हम आपके हैं कौन की सफलता आप दोबारा नहीं दोहरा पाए। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, में इन्होंने फिल्म निर्भय, वर्तमान, मेघा, लव कुश जैसी फिल्में की। सन 1999 में इनकी फिल्म आई दुल्हन बनूं मैं तेरी। डिंग 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 तेरे डिंग 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 तेरे डिंग 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 तेरे डिंग 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 तेरे डिंग 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 डिंग। दुल्हन बनूं मैं राष्ट्रीय और राम लक्ष्मण का संगीत सदैव ही सफलता का नाम रहा है। साल 1999 में फिल्म आई हम साथ साथ हैं, जिसके संगीत ने राम लक्ष्मण की उपस्थिति फिर से दर्ज की। हम साथ साथ हैं के गीतों ने जरूर कुछ उम्मीद दिखाई, पर पहले की बात जो है इस फिल्म के गीतों में नजर नहीं आई। Hey,
28 मई 2021 को 78 वर्ष की आयु में हृदयाघात से विजय पाटिल का निधन हुआ। हिंदी फिल्म संगीत में राम लक्ष्मण का संगीतमय योगदान काफी सुहाना रहा। इनकी धुनें आज भी जब फजा में लहराती हैं तो सुनने वालों को सुकून और आनंद देती है। तो ये था आज का आज के फनकार, जो केंद्रित था संगीतकार राम लक्ष्मण पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, प्रस्तुत करता थे रमेश गोखले। आज के फनकार।